Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. जी हाँ, काफी बड़ा नाम है एंड काफी बड़ा भी है ये फोन इन टर्म्स ऑफ इट्स फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ इट्स साइज एंड ऑल्सो इट्स प्राइस। तो जानते हैं इस फोन के फर्स्ट इंप्रेशंस, इनिशियल यूजेज के बाद मेरे को कैसा फील हो रहा है एंड साथ में ही इसकी क्या खास बातें हैं और क्या चीजें हैं जो अवॉइड हो सकती थी, वो सब एंड मोर इस वीडियो के अंदर। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए क्योंकि काफी एक्साइटिंग बातें हैं इस फोन के बारे में जो मैं आपको एंड तक बताऊंगा। मैं हूं अनुराग त्यागी, आप देख रहे हैं जागरण हाईटेक। शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा के बॉक्स के बारे में, उसके बाद जाएंगे आगे चीजों पे। तो ये जो इसका बॉक्स है, साइज में छोटा हो गया है लास्ट ईयर के फोन के मुकाबले। उसका रीजन ये है कि सैमसंग ने कुछ ऐसा किया है जो मैं पर्सनली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बॉक्स के अंदर से चार्जिंग ब्रिक निकाल दी गई है और साथ में हेडफोन्स भी निकाल दिए गए हैं। अब आपको बॉक्स के अंदर सिर्फ देखने को मिलता है इसका यूज़र मैनुअल, गारंटी कार्ड एंड साथ में एक ये USB-C to USB-C चार्जिंग केबल। चार्जिंग ब्रिक नहीं है, ना ही है हेडफोन्स, तो वो आपको सेपरेटली खरीदने पड़ेंगे। हेडफोन्स तो चलो ठीक है, समझ आते हैं, लेकिन ऑफकोर्स चार्जिंग ब्रिक एक फ्लैगशिप फ़ोन के अंदर ज़रूर होनी चाहिए थी। एंड पता नहीं क्या ये इफेक्ट ट्रिकल डाउन होगा सैमसंग की बाकी रेंज के अंदर भी, ए सीरीज, एम सीरीज, जो उनकी एंट्री लेवल बजट सेगमेंट है, क्या उसके अंदर से भी चार्जिंग ब्रिक हटा देंगे, पता नहीं, पता चलेगा आने वाले टाइम के साथ ही। लेकिन फिलहाल फ्लैगशिप फोन्स के अंदर से ब्रिक हटने वाली है, चार्जिंग ब्रिक, ये एक ट्रेंड हो चुका है बिकॉज एप्पल ने शुरू किया था। तो बात करें अगर सैमसंग S21 अल्ट्रा की डिज़ाइन के बारे में, तो ये काफ़ी एक प्रीमियम फोन की फील आपको देता है। जैसे ही मैंने इसे बॉक्स के अंदर से निकाला था तो मैं काफी सरप्राइज था इसकी प्रीमियमनेस देख के। ऑफ कोर्स मैंने एक्सपेक्ट किया था कि फ्लैगशिप फोन है तो प्रीमियम तो होगा ही, लेकिन ये उससे भी ज्यादा एक लेवल बेटर निकला है। जैसे ही आप इसे अपने हाथ में पकड़ते हैं तो फील होता है कि हाँ जी, एक बहुत ही हाई एंड फोन मैं यूज कर रहा हूँ। एंड ये जो कलर है, ये है फैंटम ब्लैक। इसमें आपको पीछे मैट ब्लैक कलर का टेक्सचर देखने को मिलता है। ये कैमरा मॉड्यूल यहाँ पे पॉप आउट करता है बॉडी के बाहर, जो कि एक काफ़ी अच्छी प्रीमियम फील देता है मेरे हिसाब से। एंड फ्रंट पे भी एक मैसिव 6.8 इंच की QHD प्लस 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, जिसके अंदर बीच में यहाँ पे सेल्फी कैमरा है जो भी 40 मेगापिक्सल का। इस सब के बारे में डिटेल में आगे बात करेंगे। लेकिन जो डिज़ाइन की बात है, तो फोन जैसे ही आप हाथ में पकड़ते हैं थोड़ा हैवी लगता है ज़रूर। आई थिंक अराउंड 227 ग्राम्स इसका वेट भी है, तो थोड़ा बल्की है एंड थोड़ा टॉप हैवी भी है। जैसे आप फोन को ऐसे पकड़ते हैं थोड़ा ऊपर की तरफ वेट ज़्यादा लगता है बिकॉज ऑफ द कैमरा मॉड्यूल, बट ओवरऑल इट्स अ क्वाइट प्रीमियम लुकिंग फोन। एंड हाथ में भी जब आप इसे यूज करेंगे, लोग देखेंगे, तो डेफिनेटली इट विल गेट यू ऑल द मार्क्स ओवर देयर। तो बात करें अगर इस फोन की डिस्प्ले के बारे में, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलती है एक 6.8 इंच की डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले, जो कि एक 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट के साथ आती है एंड QHD प्लस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करती है। पिछले सैमसंग के फ़ोन्स में हमने देखा था कि आप QHD प्लस सेटिंग को 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ यूज़ नहीं कर सकते थे, लेकिन ऐसा अब नहीं है, आप दोनों चीज़ें पैरेलल यूज़ कर सकते हैं। और जो इसकी रिफ्रेश रेट है वो भी अडैप्टिव है, तो बैटरी को सेव करने के अंदर, क्योंकि यूजुअली हमने देखा है हाई रिफ्रेश रेट फ़ोन्स के साथ बैटरी लाइफ थोड़ी कम हो जाती है अगर आप उसको उसकी मैक्सिमम सेटिंग में यूज़ करें। इसकी डिस्प्ले अडैप्टिव है, जिसका मतलब कि ये जब आप डिटेक्ट करेगा फ़ोन आप हाई रिफ्रेश रेट वाली कोई चीज़ को यूज़ नहीं कर रहे हैं स्क्रीन में, तो डायल डाउन कर देगा अंटिल 10 हर्ट्ज तक, मतलब काफ़ी लो रिफ्रेश रेट पे, जिससे अल्टीमेटली बैटरी गेन्स देखने को मिलेंगे। ऑफ कोर्स जब मैं इस फोन का फुल रिव्यू करूंगा सो आई विल बी एबल टू स्पीक अबाउट दैट बेटर, बट एज ऑफ नाउ दिस सीम्स टू बी अ वेरी स्मार्ट मूव बैटरी बैकअप को इंक्रीज करने के लिए। 1500 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी देखने को मिलती है, जिसका मतलब अगर आप इसे ब्रॉड डेलाइट में बाहर यूज करेंगे तो बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होने वाली है, आपको सारी चीज़ें डिस्प्ले में क्लियरली दिखेंगी। तो बात करें अगर सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा की परफॉर्मेंस के बारे में, तो जो इंडियन यूनिट है उसके अंदर आपको देखने को मिलता है एक्सिनॉस 2100 प्रोसेसर। इंटरनेशनली ये स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर के साथ रोल आउट हो रहा है US की मार्केट्स में स्पेशली, बट हमें यहाँ पे एक्सिनॉस देखने को मिलता है जो कि 5G इनेबल्ड है, 5 नैनोमीटर है। ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, लेकिन ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊँ तो
इसकी जो बेंचमार्क स्कोर्स भी आ रहे हैं काफ़ी इंप्रेसिव आ रहे हैं, एंड साथ में जो डेली यूज़ में परफॉर्मेंस है जो मैं कुछ दिनों से पिछले टेस्ट कर चुका हूँ काफ़ी इंप्रेसिव है। ऐसा बिल्कुल भी कहीं पे हीटिंग का इशू या लैग का इशू देखने को नहीं मिला है, एंड इसके बारे में और डिटेल में बात कर पाएंगे वंस द फुल रिव्यू इज आउट, बट फॉर नाउ द इनिशियल इंप्रेशंस आर गुड। साथ में आपको 12 GB रैम का बेस वेरिएंट मिलता है अल्ट्रा में, एंड साथ में जो इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है उसके अंदर आपको 512 GB स्टोरेज मिलती है और 16 GB रैम देखने को मिलती है। आई थिंक 16 GB रैम तो थोड़ा ओवरकिल हो गया, बट ये 12 GB मोर देन इनफ है, बिकॉज मैंने काफ़ी इसके अंदर ऐप्स और काफ़ी गेम्स वेम्स आए, क्वालिटी रिकॉर्डिंग 8K रिकॉर्डिंग भी करके देखी है, लैग नहीं हुआ है कहीं पे भी, बिल्कुल भी ग्लिच फ्री एक्सपीरियंस रहा है। फर्स्ट इंप्रेशंस ऑफ द प्रोसेसर गुड एज एक्सपेक्टेड, फ्लैगशिप फ़ोन है, टॉप ऑफ द लाइन प्राइस डिमांड है, तो टॉप ऑफ द लाइन ऑफकोर्स परफॉर्मेंस भी आपको देखने को इसमें मिल रही है। बात करें इसकी बैटरी परफॉर्मेंस की, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया सैमसंग ने इस साल फ़ोन के अंदर से चार्जिंग ब्रिक चार्जिंग अडैप्टर हटा दिया है, सिर्फ आपको एक टाइप सी टू टाइप सी केबल मिल रही है। 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी रखता है सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा, एंड साथ में आपको 15 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि सिमिलर है आईफोन 12 प्रो की मैक सेफ चार्जिंग जो उनकी वायरलेस चार्जिंग है उससे, एंड रिवर्स वायरलेस चार्जिंग कंपैटिबिलिटी भी है, आप इससे दूसरे स्मार्टफोन्स को भी चार्ज कर सकते हैं जो ची एनेबल्ड हैं। सो बैटरी इसके अंदर आपको मिलती है 5000 mAh की, 5000 mAh एक अच्छा साइज होता है, बट व्हेन यू कंसीडर द फैक्ट कि एक 120Hz की रिफ्रेश रेट है जो काफ़ी बैटरी कंज्यूमिंग हो जाती है, QHD+ का रेजोल्यूशन है डिस्प्ले का, साथ में कैमरा मॉड्यूल और कैमरा के अंदर भी काफ़ी हाई लेवल कॉम्पिटिशन होती रहती हैं, सो आई थिंक दिस बैटरी शुड बी जस्ट अबाउट फाइन। एंड अगेन एज आई मेंशन बिफोर, जब हम आगे जाएंगे एक फुल ब्लोन आउट रिव्यू में तब मैं आपको ज्यादा डिटेल्स दे पाऊंगा इसकी रियल वर्ल्ड इंप्लीकेशन बैटरी की। तो बात करते हैं कैमरास की ऑन द सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा। ऑफकोर्स दिस फोन इज टर्म टू बी द कैमरा बीस्ट, मतलब आपको इससे बहुत बेहतरीन पिक्चर्स एंड वीडियोस देखने को मिलेंगे। अगर बात करूं इसके लेंस की, तो मेन लेंस है 108 मेगापिक्सल का, जो एक नए अपडेटेड सेंसर के साथ इस साल लॉन्च हुआ है, साथ में ही एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस यहाँ पे देखने को मिलता है, एंड दो टेलीफोटो लेंस 10 मेगापिक्सल के अराउंड यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। रियल वर्ल्ड इम्प्लीकेशन, थोड़ी बहुत पिक्चर्स मैंने क्लिक करी हैं इससे वाइड मोड में जाके, अल्ट्रा वाइड मोड में जाके, एंड ऑफकोर्स सैमसंग की मच फेम्ड स्पेस जूम भी इसके अंदर देखने को मिली है, अप टू 100x तक की जूम आप इससे कर सकते हैं। ये कुछ मैंने सैम्पल शॉट्स लिए थे इस फोन से, आप देख सकते हैं बहुत दूर एक वाटर टैंक देखने को मिल रहा है, एंड उसकी जो क्लैरिटी है 30x और 100x जूम के अंदर भी बिल्कुल बढ़िया है। सो कैमरा के मामले में इनिशियल इंप्रेशंस आर वेरी गुड, ऑफकोर्स सैमसंग इज नोन टू मेक सम गुड कैमराज इन द पास्ट इज वेल, एंड S21 अल्ट्रा वीडियोज इन कैमरा के अंदर तो आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाला है। अगर बात करें इसके सेल्फी कैमरा की, तो एक 40 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी यहाँ देखने को मिलता है, काफ़ी क्रिस्प और क्लियर इमेजेस उसके अंदर से भी मेरे को अपने इनिशियल इंप्रेशंस में यहाँ पे देखने को मिली है। एंड इसके कैमरा के अंदर एक और खास फीचर था जो कहते हैं डायरेक्टर्स मोड, तो डायरेक्टर्स व्यू के अंदर आप जैसे ही जाते हैं तो आपको चारों कैमराज एट द सेम टाइम यूज़ करने का ऑप्शन मिलता है, एंड साथ में आप साइमल्टेनियसली चारों कैमरा से रिकॉर्ड कर सकते हैं, सेल्फी कैमरा, रियर कैमरा, बीच बीच में मूव कर सकते हैं अल्ट्रा वाइड, वाइड एंड टेलीफोटो लेंस के बीच में। सो एक अच्छा फीचर है और प्रोफेशनल वीडियोग्राफर्स के लिए तो डेफिनेटली एक बून है। तो क्या सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा इस साल का सबसे बेहतरीन एंड्रॉयड फ़ोन होने वाला है? जी हाँ, काफ़ी बड़ा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन मैं अगर आपको अपनी फर्स्ट इंप्रेशन के हिसाब से बताऊँ तो काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है ये फ़ोन, फीचर्स टॉप ऑफ द लाइन है, परफॉर्मेंस टॉप ऑफ द लाइन है, कैमराज माइंड बॉगलिंग है, काफ़ी क्लियर इमेजेस एंड वीडियोस देखने को मिल रहे हैं। प्राइस की बात करें तो 1,06,000 रुपये के आसपास का ये वेरिएंट है, जो 12 GB 256 GB स्टोरेज के साथ आता है, और इसका अगर आप टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट लेंगे तो वो आपको 16 GB रैम 512 GB स्टोरेज के साथ मिलता है, वो इससे अराउंड 10,000-11,000 रुपये और महंगा है। तो प्राइस पॉइंट डेफिनेटली इंक्रीज हुआ है लास्ट ईयर के
S20 के प्राइस से, लेकिन यू गेट मोर फीचर्स एज वेल एट द सेम टाइम. सो यस, आई थिंक ये फ़ोन इस साल का मोस्ट टॉक्ड अबाउट एंड्रॉयड फ़ोन होने वाला है. एंड जनवरी में है, अभी आने वाले सारे महीनों में सारे स्मार्टफोन मेकर्स इसको एक बेंचमार्क लेके चलेंगे एंड्रॉयड की दुनिया में, एंड सारे फोन्स इसको कम्पीट करने की कोशिश करेंगे. That is a very big statement in itself, and yes, the first impressions of the S21 Ultra are great. Pricing could have been a little better, but the phone does pack a punch. Main hoon Kunal Tyagi, aap dekh rahe hain Jagran New Media. Thank you so much for watching this video.